यू नो मांगा को अडैप्ट करते वक्त कभी कभी कुछ ऐसे पैनल्स भी आते हैं जिन्हें अडैप्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है एंड देन द स्टूडियो डिसाइड्स टू चेंज दैट स्पेसिफिक सीन। वेल हाँ, कभी कभी रीजंस कुछ और भी होते हैं, जैसे कि सेंसरशिप या फिर राइटर खुद भी किसी सीन को चेंज करवाने के लिए कहते हैं। बट यू नो व्हाट, समटाइम्स द स्टूडियो वेंट टू फार कि उन चेंजेस को नजरअंदाज कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। सो या वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज हम लोग बात कर रहे हैं टॉप 5 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द एनिमे एंड द मांगा। By the way, हम लोग कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि एनिमे और मांगा में से बेटर कौन है। सो नंबर 1 पे आता है आका इनू वर्सेस व्हाइट बियर्ड। तो एनिमे में हमें देखने को मिला था कि आका इनू व्हाइट बियर्ड का आधा मुंह चुरा देता है, बट इन द मांगा आका इनू लिटरली व्हाइट बियर्ड का आधा चेहरा ही उड़ा देता है। कैन यू इमेजिन, विथ हाफ हिज ब्रेन आउट ही वाज स्टिल फाइटिंग। अब ये होता है एक असली एम्परर। वेल हाँ, ये पार्ट एनिमेट करना काफी मुश्किल रहा होगा, और शायद इसीलिए उन्होंने इसके जगह व्हाइट बियर्ड के पेट में एक और होल क्रिएट कर दिया। एनिमे में आका इनू व्हाइट बियर्ड के पेट में एक पंच मारता है, जिसके कारण उसके पेट में एक होल क्रिएट हो जाता है, इसलिए उसके ऑर्गन्स भी जलने लगते हैं। तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि एनिमे और मांगा दोनों में ही व्हाइट बियर्ड ने बराबर डैमेज लिया है। बट हाँ, एक चीज है जो मांगा फैंस को ट्रिगर करती है। एनिमे में आका इनू के उस पंच के बाद व्हाइट बियर्ड अपने घुटनों पर आ जाता है, जो कि मांगा में कभी भी नहीं हुआ था। बल्कि मांगा में तो व्हाइट बियर्ड अपना आधा चेहरा खोने के बाद भी वह आका इनू की बैंड बजा देता है। हालांकि इन सब के बावजूद भी मैं दोनों को बराबर स्कोर ही दूंगा। नंबर 2 पे आता है जेफ सेव सांजी। एनिमे में हमें देखने को मिला था कि जेफ सांजी को बचाने के चक्कर में अपना एक पैर खो देता है, बट इन द मांगा जब वो लोग उस आइलैंड में फंसे हुए थे और जब सांजी का खाना खत्म हो गया था, तब जेफ अपना पैर काट कर सांजी को खाने के लिए दे देता है, which makes this scene dark, और शायद इसीलिए स्टूडियो वालों ने इस सीन को बदल दिया। बट टू बी ऑनेस्ट, मांगा यहाँ पे आगे निकल जाता है, क्योंकि एनिमे में जेफ के कैरेक्टर को काफी कमजोर दिखा दिया गया, जो कि वो है नहीं। जेफ पानी में सांजी को बचाने के लिए जाता है, पर किसी फालतूपने से वह अपना एक पैर खो देता है, which doesn't make any sense, क्योंकि जेफ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, किसी ने तुम्हें पानी की पिचकारी मारी और तुम मर गए। एग्जैक्टली यहाँ जेफ के साथ हुआ, और इसीलिए मांगा को एक पॉइंट मिलता है। नंबर 3 में आता है एप्सोलोन वर्सेस सांजी। तुम्हें तो थ्रिलर बार्क आर्क याद ही होगा, जहाँ पे एप्सोलोन नामी से शादी ही करने वाला था, बट सही वक्त पर सांजी आ जाता है। एनिमे में जब एप्सोलोन सांजी को एक पावरफुल हिट मारता है, जिसके कारण सांजी नामी को ड्रॉप कर देता है, बट इन द मांगा एप्सोलोन सांजी को स्टैब ही कर देता है, जिसके बाद सांजी नामी को ड्रॉप कर देता है, यह कहते हुए कि माफ करना, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा वाइट ड्रेस मेरे खून से गंदा हो जाए। अब मुझे समझ में नहीं आया कि स्टूडियो वालों ने इसे सेंसर क्यों किया, क्योंकि वन पीस में तो ऑलरेडी बहुत से खून खराबा वाला सीन है जो कि अनसेंसर्ड है। वेल शायद रीजन ये हो सकता है कि वो लोग इस फाइट को थोड़े कॉमेडिक में दिखाना चाहते थे, जो कि ये एक्चुअली में थी। बट स्टिल वन मोर पॉइंट टू मांगा, क्योंकि नामी को गिराने का रीजन मांगा में ज्यादा अच्छा है। नंबर 4, सीजर एंड डोफ्लेमिंगो। इन द मांगा लूफी और सीजर की फाइनल फाइट के दौरान लूफी गियर 3rd में जाता है और यूज करता है ग्रिजली मैग्नम, और जैसे ही सीजर उसके उस अटैक को देखता है, वह डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ काम पर रख लूंगा। एंड इन द नेक्स्ट पैनल सीजर इंस्टेंटली हार जाता है, बट इन द एनिमे सीजर लूफी के उस अटैक को रोक ही देता है, जिसके बाद वह कुछ देर तक हवा में रहता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट तक, और थोड़ा चिल्लाने उलाने के बाद वह उसको फाइनली डिफीट करता है। और ऐसा ही कुछ डोफ्लेमिंगो के साथ हुआ था। मांगा में जब लूफी किंग कॉन्ग गन से डोफ्लेमिंगो पर अटैक करता है, तो वो फाइट इंस्टेंटली खत्म हो जाती है। एंड ऑन दी अदर हैंड, एनिमे में थोड़ा उस चीज को खींच दिया गया था, जहां पे ऐसा लग रहा था कि डोफ्लेमिंगो काफी स्ट्रांग है और लूफी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। बट यार चलो, ये चीज समझ में आती है, क्योंकि यह चीज असल में वो लोग एक्साइटमेंट और हाइप बढ़ाने के लिए करते हैं, और वैसे देखा जाए तो डोफ्लेमिंगो भी काफी स्ट्रांग था। बट यार स्टिल सीजर वाले पार्ट को वो लोग काफी हॉरिबल तरीके से अडैप्ट किए थे। अबे 1 मिनट तक हवा में कौन रहता है। तो यार मांगा को फिर से एक और पॉइंट मिलता है, और एनिमे क्या कर रहे हो यार। नंबर 5, ईस्ट ब्लू सागा। तो यार मांगा में हमें लूफी का फ्लैशबैक सबसे पहले देखने को मिलता है, यानी कि वन पीस की स्टार्टिंग ही लूफी के फ्लैशबैक से होती है। एंड ऑन दी अदर हैंड, एनिमे में लूफी का फ्लैशबैक हमें एपिसोड 4 में जाकर देखने को मिलता है, और जोरो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पे मांगा में जोरो का फ्लैशबैक उसके इंट्रोडक्शन के आसपास ही हमें दिखा दिया जाता है, बट इन दी एनिमे हमें यह चीज एपिसोड 19 में जाकर दिखती है। एक और काफी
इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, जहाँ पे एनिमे में लूफी एक बैरल में रहता है और कुछ लोग उसे कुछ और समझकर अपनी सिप में ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में एलविडा का क्रू उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद कोबी भी लूफी से मिलता है। अब मांगा में लूफी जो कि उस बैरल में था, रिमोट नाम के एक आइलैंड में पहुंचता है एलविडा के बेस के ठीक बगल में, जहाँ पे कोबी उसको ढूंढ लेता है और बाकी का सीन वही सेम ही है। लेकिन हाँ, मांगा में हमें यह बताया गया है कि लूफी उस बैरल में कर क्या रहा था। असल में लूफी एक वर्लपूल में फंस जाता है पानी का बवंडर, जिसके कारण वह अपने आप को बचाने के लिए उस बैरल में घुस जाता है। और हाँ, मांगा में यहाँ नामी कहीं भी नहीं थी। चलो बोनस के लिए एक और डिफरेंस भी ऐड कर ही लेते हैं। नंबर 6.69, व्हाइट बियर्ड्स फ्लैग। तो मांगा में पहले व्हाइट बियर्ड का फ्लैग असल में एक स्वास्तिका था, हाँ वही हिंदुइज्म और बुद्धिज्म वाला। इस सिंबल को जापान में मांजी कहा जाता है, जिसका मतलब गुड फॉर्च्यून यानी अच्छा भाग्य माना जाता है। बट फिर सुइसा, जो कि वन पीस की मांगा को पब्लिश करती है, उन्होंने ओडा को इसे चेंज करने के लिए कहा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के लोग इसे नाजी वाला सिंबल समझ लेते। और ओडा ने भी यह कहा कि चैप्टर 434 से वह इस सिंबल को चेंज कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ एनिमे से पहले मांगा में ही चेंज हो गया, तो इसीलिए हम लोग नंबर 6.69 को एज अ फैक्ट तरह समझ लेते हैं। तो यार अब रिजल्ट्स तुम्हारे सामने हैं। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, एनिमे बिल्कुल बुरी तरह हारते हुए और मांगा की बल्ले बल्ले है। अच्छा चलो, ये सब तो मैंने मजाक के लिए किया था, बट फिलहाल एनिमे ने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। एपिसोड 978 ही ले लेते हैं, क्या ही सुंदर एनिमेशन था यार। और किसी किसी एपिसोड में तो ये लोग पूरा एक चैप्टर ही अडैप्ट कर रहे थे। हाँ सही सुना, एक पूरा चैप्टर बिना किसी फिलर के। लेकिन इस वाले एपिसोड में फिलर था, हाँ वो कैंप फायर वाला पूरा सीन एक फिलर था। लेकिन सही बताऊं तो ऐसे फिलर्स चलते हैं, क्योंकि ये चीजें उलझाने के बजाय समझने में ज्यादा हेल्प करती हैं। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। एक्चुअली मैंने ही कहा था उन्हें ऐसा करने के लिए, हाँ मेरी बातचीत उनसे रहती है। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और हाँ शेयर तो जरूर करना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और यार कमेंट कर बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, क्योंकि तुम्हारे कमेंट को पढ़कर ही मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। सो यार, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।